ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के आदित्यपुरम इलाके में रहने वाले एक रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान और उसके परिवार के साथ रेत कारोबारियों ने मारपीट की है। इसमें सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान सहित उसकी पत्नी और बच्चे भी मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। विवाद का कारण सहित कारोबारियों द्वारा आए दिन अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को आदित्यपुरम इलाके में लेकर आना जाना और वहां रेत गिट्टी को डंप करने को लेकर विवाद सामने आया है। सीआरपीएफ जवान का कहना है कि आए दिन ट्रैक्टर ट्रॉली आने से कॉलोनी की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। वहीं उनके बच्चे जो अक्सर घर के बाहर खेलते रहते हैं वो भी कभी भी यह दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। जहां महाराजपुर पुलिस ने इस मामले में अवैध रेत का कारोबार करने वाले धर्मा और आदिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में आदित्यपुरम में रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी के घर में घुस करके तीन चार लोगों की गंभीर मारपीट करने का प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें जो एक आरोपी है उसके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, लूट और चोरी के मामले दर्ज हैं। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए गए, जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। कारण क्या निकल गया सामने मारपीट? कारण ये सामने आया है कि जो आरोपी पक्ष है वो अपनी रेत के और गिट्टी के ट्रैक्टर उनके फौजी के घर के सामने से निकालते थे, जिसमें उसको अपने बच्चों के एक्सीडेंट में घायल हो जाने की आशंका रहती थी, जिसको लेकर के वो उनको रोकता था। लेकिन और उसी रोक टोक की वजह से नाराज़ होकर आरोपियों ने उसकी मारपीट